गुड डे टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आप सभी पिछली क्लास का रिवीजन करेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि पिछली क्लास में आपने क्या सीखा था? पिछली कक्षा में आपने फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और व्यू और फाइल विकल्प के कुछ ऑप्शन के बारे में सीखा था। अब आप सभी से पिछली क्लास के कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको उनके आंसर देने होंगे, क्योंकि इससे यह पता चल जाएगा कि आपको पिछली क्लास में पढ़ाया गया वह याद है या नहीं। क्या आप जानते हैं रूलर क्या होता है? रूलर एक स्केल की तरह होता है जिसके द्वारा ड्राइंग बनाने में मदद मिलती है, जो कि दो प्रकार के होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। क्या आप बता सकते हैं कि शेप का उपयोग क्यों करते हैं? शेप से आप अपनी पेंट की फाइल पर बनाए हुए चित्र या टाइप किए हुए टेक्स्ट की फाइल को अपने कंप्यूटर के अंदर सेव कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि सेव एज क्यों करते हैं? सेव एज से आप अपने सेव की हुई फाइल के अंदर दोबारा से कुछ बदलकर और चाहते हैं कि वह चेंज पुरानी फाइल में ना हो, तो आप सेव एज की मदद से उस फाइल को दूसरी जगह पर सेव कर देंगे। सेव एज से आप अपनी फाइल की लोकेशन, फाइल के नाम को भी चेंज कर सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं बोल्ड और अंडरलाइन से क्या होता है? बोल्ड से आप अपने टेक्स्ट को डार्क यानी कि गहरा कर सकते हैं और अंडरलाइन से आप अपने टेक्स्ट के नीचे लाइन को ला सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि टेक्स्ट के स्टाइल को कैसे चेंज करते हैं? टेक्स्ट के स्टाइल को आप फॉन्ट फैमिली के द्वारा चेंज कर सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि टेक्स्ट के कलर को कैसे चेंज करेंगे? टेक्स्ट की कलर को चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप सभी कलर पैलेट में से कोई भी कलर को चूज कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप कलर को चेंज कर सकते हैं। अब आप सभी अपने कंप्यूटर को ऑन करें और MS पेंट की फाइल को ओपन करें। आइए जानते हैं आज आप सब क्या सीखेंगे। आज आप सब फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, रूलर, स्टेटस बार, ग्रिड लाइन, जूम के बारे में सीखेंगे। सामने दिए गए लाइन अथवा पैराग्राफ को देखकर टाइप करें और उसके बाद बताया जा रहा है एक एक विकल्प की फॉर्मेटिंग करें। क्या आप सब जानते हैं कि फॉन्ट फैमिली से क्या होता है? फॉन्ट फैमिली से आप अपने टेक्स्ट की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। अब आप सभी फॉन्ट फैमिली का अभ्यास करें और उसे अपने टीचर को दिखाएं। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि फॉन्ट के राइटिंग को चेंज कैसे करते हैं। इसे चेंज करने के लिए आप सभी अपने पैराग्राफ या लाइन को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट आप किसी भी प्रकार के मेथड के द्वारा कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, आप अपने पॉइंटर को ऊपर यहां पे लेकर आए और यहां एक बार क्लिक कर दें, जिससे कि एक बॉक्स खुल जाएगा जिसके अंदर बहुत से अलग अलग प्रकार के फॉन्ट के स्टाइल दिए गए हैं। इनमें से आपको जो भी अच्छा लगे उसे सेलेक्ट कर लें, वह आपका सेलेक्ट किए हुए लाइन के फॉन्ट का राइटिंग हो जाएगा। अगर आप किसी और लाइन पैराग्राफ के राइटिंग को चेंज करना चाहते हैं, आप उसे दोबारा से सेलेक्ट कर लें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद यहां पर क्लिक करें, एक बॉक्स ओपन होगा। अब आप इस बॉक्स के अंदर से कोई भी एक फॉन्ट के स्टाइल को सेलेक्ट कर लें। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, वह आपका सेलेक्ट किए हुए लाइन या पैराग्राफ पे फॉन्ट का स्टाइल अप्लाई हो जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस तरह से आप
फॉन्ट की राइटिंग को चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट साइज का उपयोग क्यों करते हैं? फॉन्ट साइज के द्वारा आप अपने टेक्स्ट के साइज को बढ़ा या घटा सकते हैं। अब आप सभी अपने टेक्स्ट की साइज को बढ़ा या घटा कर दिखाएं। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें। आइए अब वीडियो को देखकर फॉन्ट साइज के विकल्प का उपयोग करना सीखते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, फॉन्ट साइज के द्वारा आप अपने टेक्स्ट के साइज को बढ़ा सकते हैं। आपको जिस लाइन के टेक्स्ट को साइज बढ़ाना है या कम करना है उसे सेलेक्ट कर लें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद अपने पॉइंटर को यहाँ पे लेकर आए, क्लिक करें, एक बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स के अंदर नंबर दिए गए हैं जो कि बढ़ते हुए क्रम में है। अगर आप बढ़ते हुए क्रम में लेकर जाएंगे पॉइंटर को तो आप अपने टेक्स्ट के साइज को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर से आप लाइन को सेलेक्ट कर लें, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद अपने पॉइंटर को यहां पे लेकर आए, क्लिक कर दें, जिससे कि आप अपने फॉन्ट के साइज को चेंज कर सकते हैं या कम कर सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं यहाँ से। इस तरह से आप फॉन्ट के साइज को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। क्या आप जानते हैं बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन से क्या होता है? बोल्ड से हम अपने टेक्स्ट को डार्क यानी कि गहरा कर सकते हैं। इटैलिक से हम अपने टेक्स्ट को तिरछा कर सकते हैं। अंडरलाइन से हम अपने टेक्स्ट के नीचे लाइन को ला सकते हैं। अब आप सभी इन तीनों विकल्प बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का अभ्यास करें। अगर कोई समस्या होती है तो आप सभी वीडियो की मदद से सीखें। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि बोल्ड का उपयोग कैसे करते हैं। जैसे कि आप सभी को वीडियो में दिखाया जा रहा है, आपको जिस लाइन, पैराग्राफ या टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट आप किसी भी प्रकार के मेथड के द्वारा कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप अपने पॉइंटर को बी लिखे हुए विकल्प पर क्लिक कर दें, जिससे कि अभी आपका ये जो आपने लाइन को सेलेक्ट किया था वह बोल्ड हट जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले से बोल्ड किया हुआ था। अब हम दोबारा से इस लाइन को सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद अपने पॉइंटर को बी लिखे हुए विकल्प पर लेकर आएंगे और क्लिक कर देंगे, जिससे कि आपका यह लाइन बोल्ड हो जाएगा। इसके लिए आप शॉर्टकट कमांड का भी उपयोग कर सकते हैं, जो कि कंट्रोल प्लस बी होता है। आइए वीडियो को देखकर इटैलिक का उपयोग करना सीखते हैं। इटैलिक करने के लिए आप अपने लाइन या पैराग्राफ को सेलेक्ट करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। सेलेक्ट करने के बाद आप अपने पॉइंटर को आई लिखे हुए विकल्प पर लेकर आए, यहां पे क्लिक करें, जिससे कि
इटैलिक हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी पहले इटैलिक किया हुआ था। फिर से अब इसे दोबारा सेलेक्ट कर लें या फिर किसी और लाइन को सेलेक्ट कर लें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद आप आई लिखे हुए विकल्प पर क्लिक कर दें, जिससे कि आपका सेलेक्ट किया हुआ लाइन इटैलिक हो जाएगा, यानी कि तिरछा हो जाएगा। इसके लिए आप शॉर्टकट कमांड का भी उपयोग कर सकते हैं, जो कि कंट्रोल प्लस आई होता है। अगर इसे हटाना हो तो आप दोबारा से आई लिखे हुए विकल्प पर आकर क्लिक कर दें। उस लाइन को सेलेक्ट करने के बाद इस तरह से आप इटैलिक का उपयोग कर सकते हैं। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि अंडरलाइन विकल्प का उपयोग कैसे करते हैं। अंडरलाइन विकल्प के लिए आप अपने लाइन या पैराग्राफ को सेलेक्ट करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। सेलेक्ट आप किसी भी प्रकार की विधि के द्वारा कर सकते हैं। अगर आप पूरे पैराग्राफ पे अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप पूरे लाइन या पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लें और उसके बाद यू लिखे हुए विकल्प पर क्लिक कर दें, जिससे कि सेलेक्ट किया हुआ लाइन या पैराग्राफ के नीचे लाइन आ जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इसे हटाने के लिए आप दोबारा से सेलेक्ट कर लें और उसके बाद आप शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस यू का उपयोग करें, जिससे कि अंडरलाइन हट जाएगा, या फिर यू लिखे हुए विकल्प पर आकर क्लिक कर दें। तो इस तरह से आप अंडरलाइन विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। अब आप सभी खुद से कोई एक चित्र बनाएं जिसमें लाइन टूल और ओवल टूल के साथ साथ कलर का भी उपयोग हो। उसके बाद अपने टीचर को दिखाएं। अब आप सभी अपने पेंट की फाइल को डॉक्यूमेंट में सेव करके दिखाएं। अगर सेव करने में कोई समस्या हो तो आप वीडियो की मदद से पेंट की फाइल को सेव करना सीखें। आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि अपने पेंट के फाइल को सेव कैसे करते हैं। सेव करने के लिए आप अपने पॉइंटर को यहां पे लेकर आए, क्लिक करें। एक बॉक्स ओपन होगा, इस बॉक्स के अंदर सेव लिखे हुए विकल्प पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स के अंदर आप बहुत से लोकेशन को देख सकते हैं। जहां भी आपको अपने फाइल को सेव करना है उस लोकेशन को सेलेक्ट कर लें, जैसे कि डेस्कटॉप, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर, वीडियो। क्योंकि आपको इस फाइल को डेस्कटॉप पे सेव करना है, इसलिए आप डेस्कटॉप को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां पे फाइल के नाम को टाइप करेंगे, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद फाइल के नाम को टाइप करने के बाद सेव लिखे हुए विकल्प पर क्लिक कर देंगे। यह आपका फाइल सेव हो जाएगा। आप इसे टाइटल बार में चेक कर सकते हैं कि आपका फाइल सेव हुआ या नहीं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। अब इसे मिनिमाइज करें, डेस्कटॉप पे जाएं और जिस नाम से अपने इस फाइल को सेव किया है उसे ढूंढें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है।
इस तरह से आप अपने फाइल को सेव कर सकते हैं। अब आप रेक्टेंगल टूल की मदद से खुद एक कोई चित्र बनाएं और उसमें फिल विद कलर का भी उपयोग करके दिखाएं। अब आप टेक्स्ट की मदद से इसका नाम लिखें और अपने टीचर को दिखाएं। अब आप सभी अपने पेंट की फाइल को डेस्कटॉप पर सेव करें। अब आप सभी अपने इसी फाइल के अंदर अपने नाम को टाइप करें और इस फाइल को डॉक्यूमेंट के अंदर सेव एज करें। अगर कोई समस्या हो तो आप सब वीडियो को देखकर सेव एज करना सीखें। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि सेव एज विकल्प का उपयोग कैसे करते हैं। जैसे कि आप सब वीडियो में देख रहे होंगे, यह आपकी सेव की हुई फाइल है। अब इसे आप सेव एज करेंगे। इसके लिए आप सभी चाहें तो अपने पेंट की इस पेज पर कुछ टाइप कर सकते हैं, कोई चित्र भी बना सकते हैं या फिर इसे ऐसे ही सेव एज कर सकते हैं। इसके लिए आप सभी अपने पॉइंटर को यहाँ पे लेकर आएं, क्लिक करें जिससे कि एक बॉक्स ओपन होगा। अब इस बॉक्स के अंदर सेव एज लिखे हुए विकल्प पर क्लिक कर दें जिससे कि एक बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स के अंदर आप किसी भी एक लोकेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं जहां आप अपनी इस फाइल को सेव करना चाहते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर, या चाहें तो आप इसके फाइल के नाम को बदल सकते हैं। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, यहां से भी आप अपने एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि आपको यह फाइल डॉक्यूमेंट के अंदर सेव करना है तो आप डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप अपने फाइल के नाम को चेंज करेंगे जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। नाम को चेंज करने के बाद सेव लिखे हुए विकल्प पर क्लिक कर देंगे जिससे कि यह फाइल आपके कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट के अंदर सेव हो जाएगी। आप इसे टाइटल बार के द्वारा देख सकते हैं कि आपकी फाइल सेव एज हुई है या नहीं। अब इसे देखने के लिए कि डॉक्यूमेंट के अंदर सेव हुआ है या नहीं, आप अपने फाइल को मिनिमाइज करें जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद कंप्यूटर या माई कंप्यूटर के अंदर जाकर यहाँ पर डबल क्लिक करें। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए विकल्प पर अपने पॉइंटर को लेकर आएं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे देखें कि जिस नाम से आपने वह फाइल सेव एज किया था है या नहीं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। अब इसे यहाँ से क्लोज कर लें। उसके बाद अपने पेंट के पेज पर आ जाएं। इस तरह से आप अपने फाइल को सेव एज कर सकते हैं। अब आप सभी रूलर को शो और हाइड करके दिखाएं। अगर कोई समस्या होती है तो आप सभी वीडियो को देखकर रूलर को हाइड और शो करना सीखें। आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि रूलर विकल्प को हाइड और शो कैसे करते हैं। इसके लिए आप सभी अपने पॉइंटर को व्यू लिखे हुए विकल्प पर लेकर आए जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। यहाँ पर क्लिक करें, उसके बाद रूलर लिखे हुए विकल्प पर क्लिक कर दें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, जैसे कि पेंट के पेज पर रूलर शो हो जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इसे हाइड करने के लिए दोबारा से रूलर लिखे हुए विकल्प पर आए और क्लिक कर दें जिससे कि सही का निशान हट जाएगा और आपका रूलर भी हाइड हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने रूलर को पेंट के सीट पर से हाइड और शो कर सकते हैं। अब आप सभी स्टेटस बार को शो और हाइड करके दिखाएं।
अगर कोई समस्या होती है तो आप सभी वीडियो को देखकर स्टेटस बार को हाइड और शो करना सीखें। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि स्टेटस बार को हाइड और शो कैसे करते हैं। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, यहां से लेकर यहां तक यह आपका स्टेटस बार होता है, इसको हाइड करने के लिए आप सभी अपने पॉइंटर को व्यू विकल्प पे लेकर आए, यहाँ पे क्लिक करें, उसके बाद स्टेटस बार लिखे हुए विकल्प पे पॉइंटर को रखें और क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करेंगे सही का निशान हट जाएगा, जिससे कि आपका स्टेटस बार हाइड हो जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। अब इसे दोबारा से शो करने के लिए अपने पॉइंटर को स्टेटस बार पे लेकर आए, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, यहां पर क्लिक कर दें, आपका स्टेटस बार शो हो जाएगा। इस तरह से आप स्टेटस बार को हाइड और शो करा सकते हैं। अब पेज की साइज को जूम इन और जूम आउट करके दिखाएं। अगर कोई समस्या होती है तो आप सभी वीडियो को देखकर जूम इन और जूम आउट करना सीखें। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि जूम विकल्प का उपयोग कैसे करते हैं। इसके लिए आप अपने पॉइंटर को व्यू विकल्प पे लेकर आए, यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, जूम इन और जूम आउट। जूम इन पर क्लिक करेंगे तो आपके पेज का साइज बढ़ जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। अब जितनी बार क्लिक करेंगे जूम इन पे, उतना आपका पेज का साइज बढ़ता जाएगा। और अब इसे कम करने के लिए आप या इसे पेज को देखने के लिए आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं, और पेज की साइज को कम करने के लिए जूम आउट विकल्प का उपयोग करेंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। आप इसे यहां से भी जूम आउट और जूम इन कर सकते हैं। प्लस वाले साइन पर क्लिक करेंगे तो पेज का साइज बढ़ेगा, और माइनस वाले साइन पर क्लिक करेंगे तो पेज का साइज कम होगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस तरह से आप जूम के विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है, अब आप सभी अपने फाइल को क्लोज करें और कंप्यूटर को शट डाउन करें। आज आप सब ने फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, रूलर, स्टेटस बार, ग्रिड लाइंस, जूम के बारे में रिवीजन किया, यानी कि अभ्यास किया।